नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम ये HP का नया मॉडल है, इसके अंदर हम आपको आज इंक को कैसे रिफ़िल करते हैं ये देखिए। यहाँ पर एक इंच छेद दिया हुआ है और दोस्तों इसके अंदर जो टोनर लगा हुआ है वो 104A है HP। तो दोस्तों आज हम इसको इंक को आज रिफ़िल करना सिखाएंगे आपको, कैसे रिफ़िल करते हैं नए मॉडल के अंदर इंक को। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी जेन्युइन इंक है, ये 103A है और 104A, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये दोनों सेम होती हैं। तो दोस्तों हम आज रिफ़िल करके आपको दिखाएंगे, 104 भी चल जाएगी और 103 भी चल जाएगी, दोनों ही दोस्तों इसके अंदर चल जाती हैं। ये देखिए HP नेवर स्टॉप लेजर जेट इंक, ओरिजिनल जेन्युइन इंक है दोस्तों, जो कि हमने ऑर्डर करके मंगाई है। तो दोस्तों आप भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी इस प्रिंटर के अंदर लोकल इंक का प्रयोग ना करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका प्रिंटर डैमेज हो सकता है और डेड हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा HP के प्रिंटर के अंदर जो टैंक प्रिंटर है, लेजर जेट टैंक प्रिंटर है, उसके अंदर ओरिजिनल इंक का ही प्रयोग करें। दोस्तों ये देखिए हमने इसके अंदर से अभी निकाल ली है इंक। तो दोस्तों अभी हम खोलते हैं कि कैसे पैकिंग दी हुई है। और दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी पैकिंग दी हुई है। और दोस्तों अब हम आपके सामने खोल करके दिखाएंगे कैसे ये पैकिंग के अंदर निकलती है इंक। तो दोस्तों हमने इसको पैकिंग को अनलॉक कर लिया है और दोस्तों ये देखिए इसके अंदर बहुत ही अच्छी पैकिंग दे रखी है। इसको इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे और दोस्तों ये साइड में जो दे रखा है, इसके एक हैंडल दे रखा है, इसको दोस्तों हम ऊपर की तरफ में उठाएँगे। और दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका है इंक डालने का, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, ना ही तो कैटरेज को खोलना है, ना निकालना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, और इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रिंटर के अंदर पावर को कनेक्ट कर लेंगे, अपने प्रिंटर को ऑन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हमारा प्रिंटर ऑन होगा तो दोस्तों हम इसको प्रिंटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं, अभी इसको हमने बंद कर दिया तो आपको दोस्तों दोबारा से लगा करके दिखाएंगे ऊपर से कैसे इंक डाल सकते हैं। वैसे हमने आपको अंदर से खोल के दिखाया था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेशन में दोस्तों लाइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही हैं, आप देख सकते हैं लाइट भी ब्लिंक कर रही है यहाँ पर, देखिए बार बार। तो दोस्तों प्रिंटर के अंदर इंक ख़त्म हो चुकी है। तो ये हैंडल दिया हुआ है, इसको हम प्रेशर देके थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जैसा कि बोतल पर भी छपा हुआ है। और दोस्तों इस बोतल को हम धीरे से साइड में घुमाएंगे, जैसा कि बोतल पर निशान दिया हुआ है दोस्तों, मार्क किया हुआ है, और इसको हम थोड़ा नीचे दबाएंगे हैंडल को। तो दोस्तों हमारी इंक प्रिंटर के अंदर जानी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए हमने हैंडल को थोड़ा नीचे कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंक का लेवल भी काफ़ी नीचे गया हुआ है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोगों को, ताकि नए नए वीडियो और अपडेट प्राप्त होते रहें दोस्तों। और आप लोगों को दोस्तों धीरे धीरे प्रेशर डालना है, और जैसे ही आप इसको मूवमेंट करेंगे घुमाएंगे तो दोस्तों ये प्रिंटर का टैंक का जो फेस है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर इंक हमारी जानी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और इसको हम पंप, जैसे हम पंप करते हैं अप डाउन करते हैं, उस तरह से इसको पंप को अप डाउन करना दोस्तों, ताकि हमारी बोतल जो भी है इंक इसकी खाली होकर सारी टैंक के अंदर चली जाए दोस्तों। तो दोस्तों एक वो मैं आपका बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने घर पर आसानी से रिफ़िल कर सकते हैं कोई भी आपका टैंक प्रिंटर हो दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि हम आने वाले समय में अच्छी अच्छी आपको वीडियो दे सकें। और कुछ टाइम के बाद दोस्तों हम अपने चैनल पर लाइव क्लासें देंगे, जिसके अंदर हम आपको टेक्निकल और विज्ञान से जुड़ी जानकारी और टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को सभी को बताएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने आधे से ज़्यादा हमारा ड्रैंडल नीचे चला गया है। तो दोस्तों अभी देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों अब देखिए हम, मैं आपको अभी इसके अंदर इसको थोड़ा दोबारा से प्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से हम आप लोगों को प्रेस करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रेस करोगे तो आपकी इंक के जो है दोस्तों इसके अंदर डल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हमारे प्रिंटर की अभी जो पावर चली गई है, पीछे लाइट भाग गया है, तो हम उसको दोबारा पावर से कनेक्ट करेंगे दोस्तों, और आपको दिखाते हैं
कि कैसे इंक लेवल उठाता। दोस्तों इसको पावर के साथ में कनेक्ट करने के बाद ही इंक आप लोगों को डालनी है ताकि आप लोगों को लेवल मेंटेन हो जाए। और ये चिप लगी हुई है बोतल के अंदर, उसको रीड कर ले। देखिए दोस्तों अब फुल दिखा दिया उसने, तीनों लाइटें फुल हो गई हैं, इसका मतलब हमारी बोतल फुल टैंक के अंदर जा चुकी है। तो दोस्तों कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आप लोग अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और इस बोतल को हम धीरे से वापसी रिटर्न घुमा करके वापसी निकाल देंगे दोस्तों। और जैसा कि इसका जो पंप है वो लॉक हो चुका है अंदर, इसके अंदर अब इंक नहीं रही है दोस्तों, ये चिप लगी हुई है दोस्तों, ये मैच हो गई है और हमारा टैंक जो है फुल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।